की ये औषधि, और बता रहा हूं इस औषधि के गुण। जो भी वैश्यावृत्ति करते हैं और उसमें से उनको जितने रोग आते हैं, गोनोरिया हो गया, प्रमेह हो गया, सुजात हो गया, ये सब होता है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, उनकी भी यही औषधि नक्सवामिका। और जिन लड़का को कम उम्र में गलत आदतें पड़ जाती हैं, हस्तनापन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उनकी भी यही औषधि। देना रोल सकारी विकारी संज्ञाकारी एक एक थे, हस्तनापन बहुत खराब है, वो सेक्स जो स्पेशलिस्ट है ना सेक्सोलॉजिस्ट वो कहते हैं, और उसके पीछे उनका जो थ्योरी है वो बड़ा विचित्र है, उसकी चर्चा न करें तो अच्छा है। ये आप इसका ध्यान रखो, ये लक्ष भूमिका जो है ना बहुत बीमारियों में आई है काम। देखो आपको क्या क्या लिखाया मैंने, जुलाव हो गया, संदास हो गया, उसकी अच्छी औषध है। आपको कभी बयासी हो गया, मूल गया, दगंदर, उसकी औषध है। काबे हो जाए, पीलिया हो जाए, उसकी यही औषध है। शराब पीने वाले, व्यसन करने वालों को कोई भी रोग हो जाए, उसकी ही औषध है। जैसे शराब पीने वालों को खांसी हो गई, ये दे दो बिल्कुल ठीक हो जाए। शराब पीने वालों को भूख नहीं लगती, ये औषध दे दो भूख लगेगी। झोंक नहीं आती, ये औषध दे दो झोंक आएगी। कुछ भी रोग हो, व्यसन करने वालों को, वैश्यावृत्ति करने वाले लोग जो रोग लेके आते हैं खराब खराब, उसकी भी यही औषध है। जो लड़के जवानी की उम्र में गलत आदतें पाल लेते हैं, उसकी भी यही औषध है। और ये औषधि क्या क्या करती है, अगर हमको खराब से खराब एक बीमारी पोट की है, हार्निया, हार्निया की भी यही औषधि है, यही औषधि है। खाली एक शाम एक समय भी ले ला ना शाम को, तो भी ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत कड़क औषधि है। शाम को ही ले ला एक बार तो भी बहुत अच्छे है, खाने के आधे घंटे में। और ये औषधि एक और अद्भुत काम करती है। ये कल कौन था जिसको जुकाम हुआ था, सुना? तो जिसको भी जुकाम हो जाए और नाक बंद हो जाए, उसकी भी यही औषधि है। सर्दी, और सर्दी जुकाम के साथ खोखला हो जाए, उसकी भी यही औषधि है। मल्टीपर्पज है ये। और रात को काम करने वाले और दिन को सोने वाले लोगों की भी यही औषधि है। रात को काम करें और दिन को सोए, उनको बीमारी ही बीमारी आती है, उनकी भी यही औषधि है। जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, नहीं काम दिन में करना, रात को सोना, लेकिन कोई मजबूरी है तो रात में भी काम करना है, उसके बाद कोई तकलीफ हो जाए तो उसकी ये औषधि है। और बता देता हूं कि जो लोग शरीर श्रम नहीं करते, सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, उनको कुछ भी हो जाए तो उनकी भी यही औषधि नहीं। नहीं, ये कम से कम 45 रोग ठीक करती है, लेकिन सभी नहीं ठीक करते। सब रोग तो बहुत है, 148 से ज्यादा है। और एक बता देता हूं, लीवर में कैंसर हो जाए तो उसकी भी यही औषधि, लीवर में कैंसर। और पित्त की थैली में पत्थर हैं, उनको भी तोड़कर निकालेगी ये औषधि मदद करती है, बर्बरिस के जैसा ही। पित्त की थैली में पत्थर है तो उसमें भी ये काम आते हैं। और किसी व्यक्ति को एक बार में पोट साफ नहीं होता, बार बार संडास जाना पड़ता, उसकी भी यही औषधि। और कई लोगों को ऐसा होता है कि एक दिन जुलाब हो गया, एक दिन कोष्ठबद्धता हो गई, ऐसा चलता है, उनकी भी यही औषधि। ये औषध लगभग 45 से 48 रोग में काम आती है। अब आखिरी बता देता हूं कि बुखार आ जाए, सर्दी के साथ बुखार, जुकाम के साथ बुखार, सर्दी जुकाम खोखला बुखार, तो भी यही औषधि। इस औषध से मैंने 40-40 साल पुराने लोग ठीक किए हैं जो जुकाम से पीड़ित है। 40 साल हो गया, जुकाम मिटता नहीं, उनका भी मिटा दिया इसने। सर्दी, सर्दी के साथ ताप, ठीक है।
बच्चों को भी है, ये बड़ों को भी है, स्त्री को भी है, पुरुष को भी है। बच्चों को ये औषध देना हो तो एक थेम पानी में डाल के, चौथाई कप पानी में डाल के उसमें से दो दो चम्मच पानी पिलाना बच्चों को। बड़े लोगों को सीधे एक एक थेम जूठ पे डाल दे। बच्चों को खाली साफ और सर्दी आती तो भी औषधि, ठंडी लग के कुछ भी लो तो यही औषधि है। ठंडी कभी भी लग के कुछ भी आए, मलेरिया आता है उसकी भी यही औषधि है। ठंडी लग के कुछ भी हो, और ऐसे लोगों की ये सबसे अच्छी औषधि है जिनको गर्मी में भी ठंडी लगती है। अभी हमको मालूम है कि कड़क धूप है तो कहेंगे यार बड़ी ठंड लग रही है, तो इसको ये औषधि दे दो, दो मिनट में ठंड गायब कर देती। सबके चलते ठीक है, इतने सारे काम नहीं आते। बच्चों को बताया एक थीम पानी में डालना चौथाई तक, फिर उसमें से दो दो चम्मच पानी पिला देना। अब आगे चलते, पेट दुखने की भी यही औषधि लिखी लो आप। किसी भी कारण से पेट दुखता है, खाना हजम नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, गैस बन रही है, गैस बनने की भी यही औषधि है। है 5 रुपए में 5 ml मिलती है, 5 ml में 100 लोगों का इलाज कर देते, 5 रुपए में 100 लोग ठीक होते हैं, इतने सस्ते। इसको हम होम्योपैथी में रामबाण औषधि कहते हैं। ले आओ ना, सोलापुर में मिलता है, क्यों नहीं मिलता? ठीक है, अब आगे चले। अब सुन लो, अभी एक और बता देता हूं कि जब शरीर में एक चर्म रोग होता है, वो चर्म रोग ऐसा है कि अचानक से सवेरे सवेरे देखो तो पूरा चर्म लाल लाल हो जाता है और खा जाती है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, तित्ती होना, तित्ती बोलते हैं, उसकी सबसे अच्छी यही औषधि। जीप पे पुराना कहीं भी नहीं है, जवान पे लेना है, कुछ भी हो जाए। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए उसकी भी यही औषधि है कि कितना भी उच्च रक्त दबाव हो, एक थेम डालो, 5 मिनट बाद चेक करो, नॉर्मल कर देते हैं, इतनी तेज औषधि है। मेथी दाने से 3 महीना लगता है, ये 5 ही मिनट में ठीक करते हैं। इसलिए मैंने बहुत जानबूझ के ये औषध लिखी है, और इसके नीचे ये लिखी है ना, ये भी 50 रोग में काम आती है, वो भी बताऊंगा, सल्फर। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं हम, अभी क्या रोग है आगे, ढोके दुखना, ढोके दुखने की भी यही औषध है। और वैसे ढोके दुखने की अपने घर में भी औषध है, वो भी लिख लेना, ये तो है ही। इसके अलावा गाय का जूना तू रात्रि को नाक में डालना, एक एक थे सोना, तो सब तरह का ढोके दुखना बंद। और एक औषध है ढोके दुखने की अपने घर में, वो है ना शुंठी, माने अदरक, अदरक से बनता सौंठ, सौंठ तो थोड़ा सौंठ का पाउडर और थोड़ी सी शक्कर, इसमें शक्कर औषधि है, थोड़ा सौंठ का पाउडर, थोड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये वाली भी चलेगी और नहीं तो गुड़ भी चलेगा। तो सौंठ पाउडर, थोड़ा सा शक्कर या गुड़ और थोड़ा सा नमक, ये गर्म पानी में मिलाकर आप लो तो जितना भी खराब से खराब ढोके दुखना है, सिर दर्द सब खत्म कर देते। कायम कायम
सोच जो है बहुत अच्छी औषध है सिर दुखने की। गर्म पानी में सोच डालने का उबालने का, पीछे से थोड़ा नमक और थोड़ा शक्कर या गुड़ मिलाकर पीने का, अरवाबी और पूरा भी दोनों। एक गिलास पानी सूंठ आधा चम्मच डाल के उबालना उसमें पानी में पहले, फिर उस पानी में थोड़ी शक्कर मिलाना या शुगर ये गुड़ मिलाना और थोड़ा नमक मिला के पीना। ये बिल्कुल रुकने का बहुत अच्छा इलाज है। और बाकी तो ये नक्सवंग का भी है, एसिडिटी के लिए सूंठ बहुत अच्छी औषध है एसिडिटी, और एसिडिटी के लिए जीरा भी बहुत अच्छी औषध है। वैसे ही पानी में डाल के उबाल के अलग अलग, एक बार सूंठ एक बार जीरा दो बार। तीन चार घंटे बाद हो गया सूट आधा चम्मच, ज्यादा नहीं गर्म करती है ज्यादा,